नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का मुद्दा बहुत अहम, क्योंकि आज मुद्दा है ज्ञानवापी वाला मुद्दा। हालांकि मुद्दे की जो रूपरेखा है वो तो पिछले साल ही रच दी गई थी, 18 अगस्त 2021 को, जब 5 महिलाओं ने इसको लेकर याचिका दाखिल की कि सिंगार गौरी मंदिर में पूजा अर्चन करने की अनुमति मिले दी जाए। 18 अगस्त 2021 की याचिका है। और फिलहाल ये याचिका का अगर हम इसका इतिहास की बात करें तो तमाम तरह के तथ्य सामने आते हैं। कोई बताता है कि 1669 में औरंगजेब द्वारा मंदिर तोड़ के बनाई गई थी, कोई कहता है कि वहां पर पहले से मस्जिद थी। साथ ही साथ महत्वपूर्ण यह है कि 1991 में इसको लेकर सोमनाथ शर्मा, नवरंग व्यास जैसे 3 लोगों ने याचिका दाखिल की थी 1991 में, और याचिका के मुताबिक उन्होंने कहा था कि यहाँ पर पूजा अर्चना की हमको अनुमति दी जाए विधिवत तरीके से, नियमित रूप से। हालांकि उस पर भी 1993 में स्टे लगा दिया गया था। सरकार केंद्र में पीवी नरसिम्हा राव की थी और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। स्टे क्यों लगाया गया, क्या रीजन रहा, वो अब तक एक ऐसा प्रश्न है जिसका अभी तक कोई जवाब नहीं है। पर उसके बाद 3 दशक तक ये मामला चलता रहा, कोई व्यापक मोड़ इस मामले में नहीं आया। उसके बाद 18 अगस्त 2021 को जब 5 महिलाएं राखी, सीता साहू, मंजू ब्यास, लक्ष्मी देवी और रेखा पाठक, 5 महिलाओं ने यहाँ पर याचिका दाखिल की और कहा सिंगार गौरी मंदिर में जो पूजा अर्चना जो साल में एक बार होती है इसको नियमित किया जाए, याचिका दाखिल की गई थी। उसके बाद ये मामला तूल पकड़ता रहा। उसके बाद याचिका के बाद यहाँ पर सर्वे हुआ, एसआई के माध्यम से सर्वे हुआ। सर्वे में अलग अलग चीज़ें निकल के आई, कहीं चिन्ह मिले तो कहीं बताया गया कि ये फब्बारा है, ये शिवलिंग है। मुस्लिम पक्ष की अपनी दलील कि ये बजू खाने का हमारा फब्बारा है, तो हिंदू पक्ष का कहना था कि ये हमारा शिवलिंग है, क्योंकि नंदी, भगवान नंदी की प्रतिमा है वो शिवलिंग के सामने है। वायरल वीडियो हुए, फोटो वायरल हुई, उसके बाद ये मामला लगातार गर्माता रहा। फिर जब 4 जुलाई को डेट बताई गई थी, सुनवाई होनी थी, उसके बाद फिर ये बताया गया कि 12 सितंबर को सुनवाई होगी और कोर्ट ये निश्चित करेगा, जिला अदालत निश्चित करेगी बनारसी की, किस मामले पर सुनवाई होनी चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये मामला, जो याचिका दाखिल की गई 5 महिला को तब से, ये सुनवाई योग्य है अथवा नहीं। और आज इस पर लगभग 2:20 पर फैसला आया और फैसले के तहत ये कहा गया कि जो 3 प्रमुख कारण बताए जा रहे थे कि ये सुनवाई नहीं होगी, जिसको लेकर अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने कहा था कि प्लेसेस ऑफ वर्सेस गॉप एक्ट यानी 1991 और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट और वक्फ बोर्ड, ये 3 उन्होंने बताया था, इसके मुताबिक यहाँ पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए, ये 3 प्रमुख कारण रहे। पर कोर्ट ने, जो कि AK विश्वेश जो इस मामले की सुनवाई कर रहे थे, उन्होंने कहा इन 3 कारणों से कोई मतलब नहीं है, इन 3 कारणों से ये अलग नहीं है, क्योंकि अभी धार्मिक सत्यता सामने नहीं आई है। जब धार्मिक सत्यता सामने आएगी कि वास्तव में मस्जिद थी या मंदिर था, तभी ये 1991 के एक्ट में आएगा, तभी विश्वनाथ ट्रस्ट में आएगा, तभी वक्फ बोर्ड के मामले में आएगा। खैर, कुछ बयान सुनते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग ने जो पक्ष रखा था उसपे आज न्यायालय ने अपना जजमेंट दिया और उन्होंने मुस्लिम पक्ष का दावा खारिज कर दिया, क्योंकि वर्शिप एक्ट से बात नहीं होता है, क्योंकि 1991 का वर्शिप एक्ट जो है वो जब लागू हुआ तो 93 तक तो हिंदू पक्ष वहां पूजा ही कर रहा था, और उसके बाद मुलायम सिंह की सरकार ने पूजा करने का अधिकारों से हिंदुओं को रोका था। तो इस प्रकार से आज न्यायालय का फैसला हिंदुओं के पक्ष में आया, अब आगे लड़ाई प्रारंभ होगी वहां पूजा के अधिकार को लेकर। लिहाजा मंदिर और मस्जिद के नाम पर इस मुल्क के अंदर भाई को भाई से बहुत लड़ा दिया गया, लिहाजा हिंदू मुसलमान आपस में ना लड़े, बल्कि हम सब मिलके गरीबी, बेरोजगारी और जहालत से लड़ें। जितना जितना हिंदू और मुसलमान गरीबी, बेरोजगारी और जहालत से लड़ेगा, उतना उतना हमारा देश तरक्की करेगा। वरना अब हिंदू मुस्लिम की सियासत बहुत हो चुकी, मंदिर मस्जिद की सियासत बहुत हो चुकी, लिहाजा ज्ञानवापी का मामला हो या बाबरी मस्जिद का मामला हो, हम अदलिया का एहतराम करते हैं, मगर इसके अंदर ये मामलात जो हैं, मैं इस मामलात को अदालत के बाहर हल करना ज़्यादा बेहतर समझता। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद इस बात का सबको यकीन हो गया था
लेकिन उसके बावजूद भी जो बार बार ये केसेस अदालतों में आ रहे हैं और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को नज़रअंदाज किया जा रहा है, तो इस सिलसिले में हम समझते हैं जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं और उनको अपनी बात सामने रखनी चाहिए। आज पूरा भारत खुश है, आज हम भारत को यही एक सारे ब्रह्मांड में शुरू करना चाहते हैं। सबसे विनती है जितने हमारे हिंदू भाई बहन हैं, आज अपने घरों में घी के दीपक जलाए, शंख नगाड़े बजाए और हर हर महादेव का नारा लगाए, हर हर महादेव। जो मुस्लिम पक्ष की पेटिशन है ऑर्डर 7 रूल 11 की, वो रिजेक्ट कर दी गई है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का आर्गुमेंट रिजेक्ट कर दिया है, वफ एक्ट का रिजेक्ट कर दिया है। तो आपने देखा किस तरह से यहाँ पर जो चर्चा का विषय था वो महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जिस तरह से सुनवाई हो रही थी और 22 सितंबर की यहाँ पर तारीख दी गई है कि 22 सितंबर को इस मामले की सुनवाई शुरू होगी, क्योंकि यहाँ पर अंदेशा लगाया जा रहा था कि इस जो याचिका को कोर्ट रद्द करेगा या खारिज करेगा, पर यहाँ पर याचिका मुस्लिम पक्ष की खारिज कर दी गई और जो हिंदू पक्ष की याचिका थी कि इस पर सुनवाई हो, पूजा करने की अनुमति मिले, इस पर अब कोर्ट 22 तारीख से सुनवाई करना शुरू करेगा। महत्वपूर्ण विषय है और चर्चा पर हमारे साथ मौजूद है विकास मिश्रा, हमारे साथ महासंघ से अपना पक्ष रखेंगे, संतोष सिंह भारतीय जनता पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे, इमरान लतीफ आम आदमी पार्टी अपना पक्ष रखेंगे, इसके अलावा वर्चस्व पांडे कांग्रेस से अपना पक्ष रखेंगे और आमिर साबरी भाई मुस्लिम स्कॉलर के रूप में अपना पक्ष रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो महत्वपूर्ण विषय इसलिए क्योंकि हमारे देश में समय समय पर बड़े बड़े विवाद आते रहते हैं और जिस तरह से अभी हाल में हम देख रहे थे कि ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद, श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह का विवाद, उसके पहले 497 साल पुराना विवाद बाबरी और राम मंदिर, हालांकि उस पर बड़ी निर्णय देते सुप्रीम कोर्ट ने उस विवाद का हल किया और माना जाता था कि अब जो धार्मिक राजनीति उसका जो महत्वपूर्ण अंग था वो ख़त्म हो गया है और दोनों पक्षों ने उस निर्णय को तहे से स्वीकार भी किया था। पर उसके बाद अब एक अलग पथखरा चलती नजर आ रही है कि अब सुनवाई हो रही है ज्ञानवापी विवाद। तो वहीं कहीं मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद चल रहा है। फिलहाल चर्चा कर शुरू करते हैं। तो संतोष सिंह साहब भाजपा नगर पार्टी से बैठे हुए, संतोष भाई महत्वपूर्ण यहाँ पर फैसला रहा कोर्ट का, क्या मानते हैं कि इस फैसले से आगे जाकर क्या होने वाला है और क्योंकि हमारे व्यवस्थाओं में, न्याय व्यवस्थाओं में दोबारा अपील करने का भी प्रावधान है, क्या मानते हैं कि आने वाले समय में क्या मुस्लिम पक्ष इसको लेकर अपील करता नजर आएगा? देखिए गौरव जी, सबको संवैधानिक अधिकार है जी। हमारा देश और हमारा लोकतंत्र और संविधान में जो यकीन करते हैं और हमारी कोर्ट ने जो डिसीजन या फैसला दिया है उसको समझ करके दिया है और हम सबको उस फैसले का स्वागत करना चाहिए। ज्ञानवापी को लेकर के हाय तौबा मची, पता नहीं क्या क्या हुआ, कितने आगजनी हुए, तोड़फोड़ हुए जी। हम सब लोगों ने चैनल पे आया, हम लोग सब चैनल पे आए जी। चाहे वो समाजवादी पार्टी के लोग हो, बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग हो, कांग्रेस के लोग हो, सारे लोगों ने, उलेमाओं ने, उलेमा लोग आए, धर्मगुरु लोग आए, सब लोग आकर के पूरे देश के लोगों को अपील किया कि आप लोग शांति का योगदान दें और कोर्ट जो फैसला देगा उस पर हम सब लोग उसका पालन करेंगे। देखिए चाहे वो बाबरी का मसला रहा हो या ज्ञानवापी का मसला रहा जी। ये मामला कोर्ट से सुलझा है और हिंदू पक्ष हो या मुसलमान पक्ष हो, दोनों लोग कोर्ट में गए, कोर्ट के फैसले का हम सब लोगों ने मिलकर के सम्मान किया है जी। और फैसले का सम्मान करना चाहिए। गौरव जी एक बात मैं जरूर कह स्पष्ट करना चाहूंगा कि देखिए सियासी दलों ने जिनको कहीं ना कहीं भारतीय सभ्यता और संस्कृति जिन दलों को परहेज रहा है उन लोगों ने आज से नहीं, सनातन परंपरा पे कुठरघात करने का काम बहुत पहले से करते चले आए। क्या 1993 के पहले वहां पूजा होती थी, श्रृंगार होता था या नहीं होता गौरव जी? जी ये तो फैक्ट है जी, ये तो फैक्ट है। नरसिम्हा राव की सरकार केंद्र में रही और यूपी की सरकार जब आई, माननीय मुलायम सिंह यादव जब चीफ मिनिस्टर बने 1993 में, उन्होंने तो स्टे लगाया, रुक लगा दिया कि हाँ वहां पूजा पाठ नहीं होगा। उसके बाद जी शुरू होने का जो कारण है तो वहीं से शुरू है। लेकिन मैं फिर से इस चीज को दोहराना चाहूंगा गौरव जी की शांति का परिचय देना चाहिए, दोनों पक्षों को इस बात पे सहमति बनानी चाहिए कि हम किसी प्रकार का हिंदू मुस्लिम का विवाद नहीं चाहते हैं, हमारे धार्मिक आस्था का प्रश्न है और कहीं ना कहीं जो छेड़छाड़ हुए, देखिए बहुत दूर अगर बात कहूंगा तो दूर तलक जाएगी, मैं सिर्फ इतना कहूंगा
भारत के इतिहास के, भारत के हिस्टोरिकल ढांचे को जो बर्बाद करने का काम किया मुगलों ने, जो काम सियासी थी लोगों ने जो काम किया हमारे सनातन परंपरा के लोगों के साथ, वो अब पूरा दोहराया न जाए। हम सनातनी लोग अपने देश से, अपने देश के संविधान से, अपने सभ्यता और संस्कृति अटूट प्रेम रखते हैं। और हम चाहते हैं कि जो हम शांति का परिचय अगर हमने दिया है, हमने कोर्ट के डिसीजन को माना है, तो मैं अपील करूंगा इस बात को आगे न बढ़ा करके, इस बात को कोई विवाद की तरफ मोड़ न दे करके, हम इंतजार करें, अपील करना चाहें ये लोग, संवैधानिक अधिकार है, जाएं ये अपील करें। लेकिन मेरा यह मानना है कि आगे अपील करने से कोई फायदा नहीं होगा, वो मंदिर था, मंदिर है और मंदिर ही रहेगा, ये सारे लोगों को पता है। और कहीं ना कहीं हमारे सुनवाई के बाद पता चलेगा जी, इस चीज बयान दिया हुआ है कि नहीं, कहीं ना कहीं यहाँ मंदिर था और उसको हमको स्वीकार करना चाहिए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से गौरव जी, मैं इस विवाद को और आगे न बढ़ाते हुए सिर्फ इतना कहूंगा, कोर्ट का डिसीजन आया है, हम सबको स्वागत करना चाहिए और एक कदम आगे बढ़ करके कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए, इसको, इस बात को और आगे न बढ़ाते हुए, कोर्ट के डिसीजन का सम्मान करते हुए, हम वहाँ मंदिर था और हमको पूजा करने का अधिकार अगर मिलता है तो पूजा करने का अधिकार आपको मिलना चाहिए। हम इसी चीज को लेकर के आपसे सबसे निवेदन करेंगे कि शांति का परिचय देते हुए कोर्ट के फैसले का स्वागत करिए, हम आपके साथ खड़े हैं, आप हमारे साथ खड़िए, देश में एक शांति का माहौल बनाइए। मेरा अपना सीधा सीधा ये कहना है, बाकी चीज को ज्यादा जिसको कहना हो, तर्क देना हो, दे, मैं उस पर ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं। भाई एक बात जरूर है, राम मंदिर निर्माण की शुरुआत हो गई, उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो धार्मिक जो विवाद थे या जो भी थी वो धीरे धीरे सामने आने लगे, ज्ञानवापी, फिर आपकी श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह, कहीं विष्णु कुतुब मीनार को विष्णु स्तंभ कहा जाने लगा, तो तमाम तरह के एक ये जो प्रकरण है एकदम से सामने आने लगे। क्या मानते हैं कि धार्मिक राजनीति देश से प्रबल होती जा रही है? देखिए देखिए गौरव जी, बड़ा अस्पष्ट मेरा कहना है जी, कि अगर आपने जो हमारे साथ किया है, जो हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ आप लोगों ने किया है जी, अगर हमारे मंदिरों को आपने तोड़ा है, हमारे मंदिरों के साथ, हमारे सनातन धर्म के साथ जो आप लोगों ने खिलवाड़ किया है जी, मैं तब भी कहता हूँ, आज भी कहता हूँ, अगर जहां जहां पूरे हिंदुस्तान में मंदिर है, मैं किसी राजनीतिक दल से हूँ, मैं इसलिए यह बात नहीं कहता हूँ, एक हिंदू होने के नाते, एक सनातनी परंपरा को मानने वाला होने के नाते, मैं पुनः आपके चैनल पे दोहराना चाहता हूँ गौरव जी, जहां जहां हमारा अधिकार है, जहां 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 हमारे मंदिर है, जहां जहां हमारे देवी देवता है, अगर अतिक्रमण करके अगर किसी भी प्रकार से उनको नुकसान पहुंचाया गया है या उसको कब्जा किया गया है या वहां पे मस्जिद बनाई गई है, तो गौरव जी निश्चित तौर पर मैं धन्यवाद दूंगा योगी जी को, धन्यवाद दूंगा मोदी जी को और धन्यवाद दूंगा अपने हिंदुस्तान के कोर्ट को, अपने हिंदुस्तान की जुडिशरी को, उन्होंने सही फैसला दिया है। लेकिन पुनः एक बार कहूंगा कि जहां मेरा अधिकार है, जहां सनातनियों का अधिकार है, जहां हमारे मंदिर है, वह मंदिर हम इनसे सम्मान पूर्वक, इनको कहने की जरूरत ही नहीं, इनको तो दावा करना ही नहीं चाहिए जी। लेकिन जहां कहीं भी है, मैं हम आपसे पुनः एक बार इस चैनल के माध्यम से कहते हैं, हम उसको कहीं नहीं जाने देंगे, हम पुनः एक बार अपने देश में वो सनातन परंपरा जो कहीं न कहीं राजनीति की भेंट चढ़ गया, कुछ लोग राजनीति पुष्टिकरण के नाते जो बाबरी का विरोध करते रहे, जो ज्ञानवापी का विरोध करते रहे, जो मथुरा का विरोध करते रहे, ऐसे लोगों से सबको, ऐसे लोगों को भगवान देख रहे हैं, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम देख रहे हैं। और देखिए जिन जिन लोगों ने हनुमान जी और राम जी के साथ खिलवाड़ किया, मजाक किया, आज वह लोग कहाँ हैं, और जिन लोगों ने उनकी लड़ाई लड़ी वह कहाँ है, ये बताने की जरूरत नहीं है गौरव जी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आज नहीं तो कल जो चीज हमारी है वह चीज हम लेकर के, ठीक है? प्रवक्ता आपको मैं इमरान भाई मेरे साथ मौजूद है। इमरान भाई, महत्वपूर्ण फैसला था, लंबे समय से विवाद चला रहा था, आप सुनवाई की बात किया गई है, 22 सितंबर से सुनवाई शुरू होगी, क्या देखते हैं इस फैसले को लेकर? देखिए गौरव भाई, जहां तक बात है इस पूरे मामले की, कोर्ट का जो भी निर्णय आया है और कोर्ट का जो भी निर्णय आगे आएगा जी, उसको आम आदमी पार्टी उसका स्वागत करती है जी, और कहीं भी कोर्ट के मसले मसाइल में किसी भी प्रकार की आम आदमी पार्टी नहीं है जी। और लेकिन जहां तक आम आदमी पार्टी का मानना है, ये सारे मुद्दे राजनीति के केंद्र नहीं होने चाहिए। राजनीति का केंद्र उत्तर प्रदेश की राजनीति का केंद्र उत्तर प्रदेश के बदहाल सरकारी स्कूल होने चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर 26,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए, बात उन पर होनी चाहिए। आज उत्तर प्रदेश का नौजवान जो है वो रोजगार के लिए और नौकरियों के लिए दर दर भटक रहा है, इसके लिए क्या काम किया जा रहा है उस पर बहस होनी चाहिए। आज उत्तर प्रदेश में महंगाई अपने चरमोत्कर्ष पर, उत्तर प्रदेश की बात ना करें, पूरे देश की बात करें तो महंगाई से पूरी जनता त्राहिमाम त्राहिमाम करके, बात वहां पर होनी चाहिए। बहस होनी चाहिए महिलाओं को सुरक्षा को लेकर, बहस होनी चाहिए कानून व्यवस्था को लेकर, लेकिन
घूम फिर के बात मंदिर मस्जिद पर पहुंचती है। ये बात पूरा देश जानता है कि मंदिर मस्जिद की राजनीति से किसी का भी भला होने वाला है। बिल्कुल इमरान भाई, जब तक हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, फिर उनको अच्छे स्कूल नहीं मिलेंगे, हमारे लोगों को अच्छे अस्पताल नहीं मिलेंगे, हमको अच्छी बिजली व्यवस्था नहीं मिलेगी, हमारे किसानों को सिंचाई का पानी नहीं उपलब्ध होगा, खाद बीज के लिए अगर उनको संघर्ष करना पड़ेगा, अपनी फसलों का वाजिब दाम पाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, ओलावृष्टि से अतिवृष्टि फसल खराब हो जाने पर संघर्ष करना पड़ेगा, तो देश समृद्ध नहीं होगा, देश मजबूत नहीं होगा, देश मंदिर मस्जिद की लड़ाई से कतई मजबूत नहीं होने वाला है। देश और राष्ट्र तब मजबूत होगा जब हर किसी के लिए काम किया जाए, जब मंदिर मस्जिद के जरिए नफरत की राजनीति ना करके आम आदमी के लिए काम करने की राजनीति की जाएगी, आम आदमी को आगे ले जाने की राजनीति की जाएगी, तो देश का भला होगा। हमारा मानना यह है कि जितनी ताकत और जितनी ऊर्जा हम इस मंदिर मस्जिद की बहस में लगाते हैं, इसको करने दे कि न्यायालय का काम है, न्यायालय जो फैसला करे उसका स्वागत होना चाहिए, लेकिन इस पर जो राजनीति की जाती है ये सबसे बड़ी जो है वो खतरनाक चीज है पूरे देश के लिए। आज मेरा यही कहना है, जो बहस है, जो एनर्जी है, जो ताकत है, वो अपने सरकारी स्कूलों को बेहतर करने में हमको लगाना चाहिए, अपनी जो व्यवस्थाएं हैं चाहे अस्पतालों की बात कर ले, उनको बेहतर करने में लगाना चाहिए, और इस लड़ाई से किसी का कोई फायदा नहीं है। ये सिर्फ इस तरह के मुद्दों का इस्तेमाल जनता को भ्रमित करने के लिए किया जाता है। अब भारतीय जनता पार्टी की बात कर ले, मित्र हमारे बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, बड़ा इनका मंदिरों के प्रति प्रेम दिख रहा था, लेकिन वही बनारस के अंदर 250 से ज्यादा मंदिरों को काशी कॉरिडोर के नाम पर तोड़ दिया गया, हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया, हम लोगों ने यात्रा चलाई थी काशी के मंदिरों को बचाने के लिए, आम आदमी पार्टी के 500 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के ऊपर गौरव भाई मुकदमे दर्ज किए गए, उसमें मैं भी शामिल हूँ। आप बताएं क्या वो मंदिर नहीं थे जो काशी के पौराणिक मंदिर थे, पुराने मंदिर थे, उनको तोड़ा गया, नहीं कि सरकार ने तोड़ा। आप देखिए मध्य प्रदेश के अंदर देख लीजिए, राजस्थान के अंदर देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम जगहों पर जब ये सौंदर्यीकरण करने आते हैं तब ये किसी मंदिर को नहीं देखते, तब वो मंदिर तोड़ देते हैं, वहां भगवान नहीं बसते, वहां आस्था नहीं होती, वहां सनातनी परंपरा का अपमान नहीं होता। तो कुल मिलाकर इनका मूल मंत्र ये है, ना तो इनको मंदिर से प्यार है, ना तो इनको हिंदू से प्यार है, ना तो इनको गाय से प्यार है, इनको प्यार है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी नफरत की राजनीति से प्यार है। ये मंदिर के नाम पर नफरत फैलाने का काम करेंगे, ये मंदिर के नाम पर नफरत फैलाने का काम करेंगे, ये गाय के नाम पर नफरत फैलाने का काम करेंगे, मदरसे के नाम पर नफरत फैलाने का काम करेंगे, हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर नफरत फैलाने का काम करेंगे, हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत फैलाने का काम करेंगे, ताकि जनता इनसे मूल मुद्दों पर सवाल न कर पाए, जनता इधर उधर की बातों में उलझी रह जाए, और ये देश का 10 लाख करोड़ का जो सरकारी खजाना है वो अपने बेईमान पूंजीपतियों के ऊपर लुटा दें, ये 5 लाख करोड़ का जो कॉर्पोरेट का टैक्स है वो माफ कर दें अपने बेईमान पूंजीपति मित्रों का, ये जो कॉर्पोरेट टैक्स 30% हुआ करता था उसको 22% कर दें अपने कॉर्पोरेट मित्रों के लिए, और देश की जनता इनसे सवाल ना कर पाए। इसलिए मुद्दों से भटकाने के लिए जो ये सरकारी खजाने का जो लूट कर रहे हैं अपने पूंजीपति मित्रों के साथ मिलकर, उन सब सवालों से बचने के लिए ऐसे मुद्दे जिनकी चर्चा न्यायालय के अंदर होनी चाहिए उसकी चर्चा आज सड़कों पर ये कर रहे हैं, ये जो सबसे बड़ी शर्मनाक बात है। ठीक है ठीक है, हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस के रूप में बरदस पांडे जुड़े हुए हैं। बरदस भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? बरदस भाई, कांग्रेस पार्टी क्या कहना है, महत्वपूर्ण फैसला यहाँ पर आया है और अब 22 सितंबर सुनवाई शुरू होगी, क्या मानना है आपको, ऐसा लगता है कि कुछ फैसले जरूरी है कोर्ट में जाएं, आपसी सहमति से कमेटी बना के या आपसी भाईचारे से नहीं सुलझाना चाहिए हर मामले, कोर्ट क्या आवश्यक है भाई? देखिए गौरव जी, अब हमारा देश जो है वो आपसी भाईचारे और सहमति की राजनीति से ऊपर उठने लगा है, उसके पीछे रीजन ये है कि इस प्रकार आज की राजनीति भारतीय जनता पार्टी जो धार्मिक उन्माद फैला करके कर रही है, ऐसे में सांप्रदायिक भावनाओं को आहत किया जा रहा है, इसमें आपसी सहमति में दो पक्षों के बीच में हुई बातों का कन्वर्सेशन ला करके देश में अराजकता का माहौल हो, सांप्रदायिक भावनाओं को प्रतिघात किया जाए, ऐसे में कोर्ट का रास्ता लेना बहुत ही उचित रास्ता है, जिसके माध्यम से जैसे आपने देखा होगा जब राम मंदिर का फैसला आया तो सभी पक्ष के लोगों ने इसका बड़े ही दिल से स्वागत किया और सभी ने इस पक्ष पे अपनी मतलब सहमति दर्ज की, जिसमें कोई ना विवाद हुआ ना ही कहीं पे किसी प्रकार की अप्रिय घटना सुनने को मिली। इसलिए अगर जो भी आज के समय में देश में कोई भी धार्मिक मामला आ रहा है उसको भारतीय संविधान के तहत कोर्ट के माध्यम से सॉल्व करना सबसे अच्छी और उचित कार्रवाई है। जहां तक रही बात भारतीय जनता पार्टी की, बात जो इस बात का श्रेय लेकर के बड़ा हवा में उड़ रही है,
तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह वो पार्टी है जिसकी सरकार में सबसे ज्यादा हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा गया है। जब जब ये सरकार आई है तब तक पूरे देश के अनेक जगहों पर हिंदुओं के मंदिरों को सबसे ज्यादा मात्रा में तोड़ा गया है। जैसा कि आपको अभी काशी का उदाहरण है, जहाँ हजारों शिवलिंग हजारों मंदिरों को तोड़ करके सिर्फ मोदी जी के अपने दो बड़े मित्रों को आने का रास्ता बनाया गया, ये किसी से छुपा नहीं है। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति तो है कि यहाँ पे दंगा भड़का हो, संप्रदायवाद भड़का हो, लोगों को आपस में लड़ाओ, क्योंकि तो विकास की राजनीति तो करने आती नहीं। विकास का ढोंगा ढोंगी चोला पहन करके ओढ़ करके खूब ढोल बजाने आता तो है। तो फिर भाजपा वाले क्यों बोल रहे हैं कि आप भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, भारत जलाओ यात्रा का आयोजन राहुल गांधी कर रहे हैं, कहीं पादरी से मिलते हैं, कहीं कहीं से मिलते हैं। लोग राहुल गांधी जी से जिस जब जनता जुड़ रही है, उनके पास आ रही है और राहुल जी से संवाद स्थापित कर रही, जहाँ राहुल जी मन की बात नहीं जन की बात सुन रहे हैं, ऐसे में भाजपा को जो थोड़ी सी आग लगी हुई है, जलन हो रही है, तो उसको देख के भाजपा को जलाओ पटाओ ऐसे से कई सारे शब्द हमारे देश के प्रधानमंत्री करते, बेटी बेटी बचाओ बेटी पटाओ जैसी योजनाओं की बात करने लगते हैं। तो ये भाजपा का चरित्र ही ऐसा है, जलने का चरित्र है भाजपा का, और सदैव जलती रहेगी, क्योंकि जो जिसकी नींव ही देश को जलाने से शुरू हुई हो वो कहां से किसी को बनाने और उसको आगे बढ़ाने में सहयोग करेगी। ठीक है वर्चस्व भाई, ठीक है। हमारे साथ विकास मिश्रा सनातन महासंघ से बैठे हुए हैं। विकास भाई, फैसला यहाँ पर आया, सर्वे हुआ, तमाम कार्रवाई चलती रही, उसके बाद आज सुनवाई के लिए हिंदू पक्ष के फैसला दिया है और कहा गया है कि अब इसकी सुनवाई होगी, बाकायदा ये मामला सुनने योग्य है, 22 सितंबर सुनवाई होगी, किस रूप से देखते हैं इस मामले को? जी हाँ, न्यायालय के इस फैसले का बड़ा स्वागत करते हैं जी, बड़ा ही अच्छा फैसला है जी। और जिस हिसाब से फैसला आने के बाद भी सभी दोनों पक्ष शांतिपूर्ण ढंग से उसको स्वीकार कर रहे हैं, ये और उत्तम है जी। आगे सुनवाई 22 तारीख को होगी, 22 तारीख से शुरू होगी जी। उम्मीद तो यही करते हैं, जो चीज़ें जो दिख रही हैं, जो सर्वे में आया जिस तरीके से, तो फैसला पक्ष में ही आना चाहिए, परंतु ये न्यायालय पर निर्भर करता है जी। हाँ, साथ ही ये जनता से अनुरोध करेंगे कि आप लोग शांति बनाए रखें, न्यायालय पर विश्वास रखें, जैसे ये फैसला आया है वैसे और भी आगे फैसले आएंगे, उनको स्वीकार करें। और रही बात अभी कुछ राजनीतिक दल को जो सुन रहे थे, बड़े अच्छी बात कही आपके प्रवक्ता ने भी, कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी जी, और भाजपा के प्रवक्ता भी थोड़ा अपने को जोड़ने का प्रयास कर रहे थे धर्म से और इन सब चीज़ों से जी। पहली बात तो ये है कि राजनीतिक दलों को इससे बिल्कुल दूर रहना चाहिए जी। अभी आपने एक प्रश्न पूछा था हमारे कांग्रेस प्रवक्ता से कि इसको बाहर हल किया जा सकता था, कोर्ट में जाने की जरूरत है, तो कोर्ट में जाने की जरूरत ही इसलिए है क्योंकि हमारे जो नेता हैं, हमारे जो राजनीतिकर्ता हैं जी, अभी यहाँ बैठ के बड़ी अच्छी अच्छी बातें करी, क्योंकि इस समय कोई चुनाव नहीं, लेकिन जैसे चुनाव आता है वैसे ये खुद भूल जाते हैं और जातिगत तरीके से प्रचार करना शुरू कर देते हैं, तब शायद ये बात ध्यान नहीं रहती कि राजनीति को जो धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। तो आप सभी से भी अनुरोध है कि कृपया राजनीति करें, अपनी देश के विकास के लिए राजनीति करें, देश के जो मुद्दे हैं बेरोजगारी गरीबी इन पे राजनीति करें, धर्म को थोड़ा अलग रखें ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, जैसा आपने राम मंदिर में देखा, तमाम मुस्लिम भाइयों ने भी बड़ा सपोर्ट भी किया और बड़ा स्वागत किया सभी ने, तो उस तरीके से हमको आपस में ही समझौता करने दें। इस तरीके से आप जैसा कह रहे हैं कोर्ट में ना जाने पाए, तो इसका मौका दें, राजनीति से धर्म को। तहजीब तो यही बोलती है गंगा जमुनी, तहजीब वही तहजीब यही बोलती है कि आपसी मामले कुछ ऐसे मामले हो उनको स्वयं बैठ कर बातचीत करके निपटाना चाहिए। देखिए गौरव जी, जब तक राजनीति से ये चीज़ें नहीं हटेंगे धर्म वाली, तब तक की जो है यही माहौल खड़ा रहेगा, क्योंकि जैसे ही कोई बात टूटती है तो हर एक राजनीतिक दल अपना रोटी सेकना चाहता जी। वो हर एक बात इस तरीके करेगा कि आपस में लोग भिड़े, विवाद हो, उनकी राजनीतिक रोटियां सेकें जी। तो समझदार लोग हैं हम, ऐसा नहीं कहते कि ये लोग समझ नहीं रहे हैं, समझते हैं जी। तो धर्म से थोड़ा राजनीति को अलग रखें जी। हाँ, एक धर्म के विषय में अगर बात करनी, राजनीति से हट करके बात करें, वो उत्तम है जी। जैसा कि अभी आप लोगों ने किया भी जी, और बाकी आगे 22 तारीख से देखते हैं और उम्मीद करते हैं अच्छा ही फैसला है। ठीक है, मुस्लिम स्क्वायर ग्रुप में आमिर भाई बैठे हुए हैं। आमिर भाई, महत्वपूर्ण फैसला, क्या मानते हैं इस फैसले के पीछे? बहुत शुक्रिया गौरव भाई कि आपने इस चर्चा में मुझे शामिल किया। देखिए, पहली बात तो मैं आपको गौरव भाई थोड़ा बीट से अलग हट के बताएं जी कि हमारा देश लोकतांत्रिक है, बिल्कुल प्रजातंत्र है, यहाँ जी धार्मिक मुद्दों पर बहस ही नहीं होना चाहिए जी, बिल्कुल। पहली बात तो ये है।
और राजनीति तो छोड़ दिए, धार्मिक मुद्दों पर बहस नहीं होना चाहिए। टीवी डिबेट में हमारी राजनीतिक बहस होना चाहिए जी, शिक्षा पर बात होनी चाहिए, विकास पर बात होनी चाहिए, और मेन चीज़ है राजनीतिक और सत्ता के जो बीच का हिस्सा है कानून व्यवस्था जी, इस पर बात होना चाहिए। और अब भाई मैं बहुत काफ़ी समय से इधर देख रहा हूँ कि इस पर तो चर्चा होती ही नहीं है जी। चर्चा सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम होकर के जी, कुछ चैनल अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए धार्मिक मुद्दे उठाते हैं ज़बरदस्ती, और कुछ राजनीतिक पार्टियाँ इसको धार्मिक हवा देती हैं। अब सवाल गौरव भाई इसका आ रहा है, क्योंकि जिस विषय पर हमें बात करनी है उस पर थोड़ी बहुत तो बात करनी पड़ेगी, मजबूरी हमारी भी जी। आज ये कुछ जो भी कुछ हुआ है कुछ नया नहीं है जी। आप बहुत स्पष्ट समझ लीजिए, आपको याद दिला दें मैं 1885 में महंत रघुवर दास जी ने एक याचिका दायर करी थी जी। पंडित हरिकृष्ण की अदालत में एडिशनल जज थे फैजाबाद के जी, कि मुझको यहाँ पर इस राम चबूतरे की बाउंड्री करा लेने दी जाए जी। तो पंडित हरिकृष्ण जी ने ये कह करके उनकी रिजेक्ट कर दी थी प्रार्थना पत्र के, जो सामने मस्जिद है और हम अदालत नहीं चाहती कि किसी भी तरीके का सामाजिक माहौल खराब हो या हिंदू मुस्लिम आपस में मतभेद उत्पन्न हो या कोई विवाद नया खड़ा हो, तो इसलिए अदालत इसकी इजाजत कदापि नहीं दे सकती। ये कह के उन्होंने खारिज कर दिया, मेरे पास फैसला रखा है जी। उसके ठीक एक साल बाद 1886 में फिर वही महंत रघुवर दास जी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए, तो डिस्ट्रिक्ट जज ने भी यह फैसला दिया गौरव जी, जी बाबरी मस्जिद का दूर दूर तक नाम नहीं था, विवाद था सिर्फ सिर्फ राम चबूतरे का, वो भी बाउंड्री का, ना पूरे मंदिर का या किसी भी तरीके का। बहरहाल वो मुद्दा खत्म हो गया, देश आजाद हो गया उसके बाद कुछ समय बाद, और 47 में देश आजाद हुआ, 49 में बाबरी मस्जिद का विवाद खड़ा हो गया जी। करते करते उसके 36 साल बाद 36 साल बाद विवाद फिर वो 86 में ताला खुलने के बाद सामने आया, पूरे विश्व ने देखा, देश ने नहीं पूरे विश्व ने देखा अपनी नंगी आंखों से कि बाबरी मस्जिद भूलकुल थी, बाबरी मस्जिद पे विवाद पैदा किया गया और बाबरी मस्जिद आखिर में ढा दी गई या शहीद कर दी गई, जो भी जुमले इस्तेमाल कर लीजिए। बहरहाल वो खत्म हो गया। उसके बाद यह हुआ कि 1999 में अटल जी सरकार में SIT द्वारा उसमें सारे वो मिले थे, क्या नाम, अवशेष मिल गए थे कि ये मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी SIT में। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जब फैसला आया बिल्कुल आखिर वाला, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जगह जगह टिप्पणियां करी हैं कि ऐसा भी कोई सबूत नहीं मिला कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई हो। और इसी आधार पर जो भी धन्नीपुर बल्लीपुर के नाम पे मस्जिद के नाम पे जो जगह दी गई है 5 एकड़ या 10 एकड़ जो भी हो, 5 एकड़, हाँ 5 एकड़ वो दी गई, तो अदालत ने इसीलिए दी गई क्योंकि वो फैसला सिर्फ और सिर्फ सत्ता पक्ष के हक में जाना था, सत्ता अल्पसंख्यक के विरोध में जो बहुसंख्यक है उसके पक्ष में आना था, लेकिन उसके बावजूद भी हमने अदालत की मानी। हमारा एक मानना ये है गौरव जी, गौरव भाई साहब, के इसके ऊपर इतना विवाद ना किया जाए और जो माहौल देश का मेरा है, अमन शांति का बना रहे जी। सरकार सेंट्रल में और यूपी में भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, अगर इनको ये मानते ही है दिल से कि वाकई मुगलों ने तोड़कर ऐसा किया। पहले तो मैं आपको एक बात बता दूंगा गौरव भाई कि मस्जिद बनी है 1690 में, मस्जिद बनी है 1690 में, औरंगजेब मरे 1707 में, और मंदिर बनाए 1770 में, तो अब 83 साल बाद औरंगजेब ने 1790 में, तो अब 83 साल बाद औरंगजेब ने मस्जिद तोड़कर मंदिर तोड़कर के मस्जिद बनाई, ये अजीब अपने आप में विडम्बना है। अब तारीखी और ये सारे दस्तावेज मौजूद हैं बनारस के उसमें क्या बोलते हैं मालखाने में, ऐसा नहीं कोई मैं कोई हवा हवाई बात कर रहा हूँ। अब 1670 1690 फिर 1707 और फिर 1790 यानी 83 साल बाद औरंगजेब जिंदा हुआ, उसने मंदिर तोड़कर मस्जिद बना लिया गया, एक बात। दूसरी बात, मस्जिद ये है और मंदिर ये है, थोड़ी दूरी पे दोनों चीज़ें बनी हुई है, लेकिन मेरी ये गंगा जमनी तहजीब थी, मेरी संस्कृति कि बहुत, अब जैसे मथुरा वाली है ईदगाह मस्जिद बगल में, ईदगाह मंदिर बगल में, तो हम लोग बहुत हंसी खुशी, हमारे पूर्वज भी रहते थे, हमारी और नस्लें भी रही हैं, लेकिन हमारा बचपना भी बहुत अच्छा गुजरा है, हमने अपने ब्राह्मण, हमारे अब्बा के मेरे तमाम दोस्त ब्राह्मण थे, उनके चले जाते थे मंदिर में जाके, हम नहीं जानते थे कि ये भगवान है या मूर्ति पूजा होती है, हम समझते थे हमारे खिलौने हैं, यकीन जानिए हम खेलते थे जाकर के, तब हमारे बाप डांटा करते थे, नहीं 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 तुम इधर हटो, वहां कैसे पहुंच गए तुम, डांट देते थे, लेकिन हमारे जो बाप के दोस्त थे पंडित जी हमारे चंद्रभान जी, वो कहते अरे नहीं नहीं बच्चा है बच्चा है, खान साहब रहने दो। तो ये माहौल था। आज देश का माहौल, पूरे देश में क्या हिंदू मुस्लिम के नाम पर नफरत पैदा कर दी गई है, बहुत अफसोस की बात है गौरव भाई। जितना भी अफसोस किया जाए और जितनी भी शर्म की जाए वो कम है। आज देश नहीं विश्व देख रहा है कि एक मात्र देश है पूरी दुनिया में जो सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे ही राजनीति कर रहा है। तो पहल क्यों नहीं होती है, कैसे पहल हो, हम तो चाह रहे पहल कर दीजिए आपके, मैंने अभी एक जुमला कहा था, वो बात मेरी भटक गई थी कि डबल इंजन की सरकार है, अगर आपको ये लगता है वाकई कि मुगलों ने ये मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई है, तो देखिए अदालत का नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है गौरव भाई, आप जाइए सीधे सीधे
आपके हाथ में सत्ता है, बिल्कुल जबरदस्ती डंडे की जोर पे, कहावत है जिसकी लाठी उसकी भैंस, कोई मुसलमान आपका विरोध करना नहीं आएगा, ये मैं पहले बता रहा हूँ। ये अराजकता ना फैलाया जाए अदालत के नाम पर। मुझे एक बात, एक उनका बयान याद आ रहा है कि सुदर्शन जी ने 1995 में बयान दिया था जब वो प्रमुख के संघ प्रमुख हुआ करते थे कि मुझे खुशी है कि अब हमारे लोग न्यायालय में पहुंच चुके हैं। तो शायद मुझे लगता है कि वो उनका बयान दिया वो आज सच साबित हो रहा है। अब लगता है कि आने वाले दिनों में इस देश में नहीं बल्कि विश्व में मेरी अदालतों का भी माहौल उड़ेगा जिस तरीके से हिंदुस्तान की राजनीतिक पार्टियों को मजाक उड़ाया जा रहा है। गौरव जी, बहुत स्पष्ट सी बात यह है। ठीक, जवाब लेते संतोष भाई। संतोष भाई, आमिर भाई की पूरी बात सुनी, क्या कहना भाई आपका? उनकी बात मैं पूरी सुन रहा था और कहीं ना कहीं वो अगर समीक्षा कर रहे थे हिंदू मुसलमान के नाम की समीक्षा कर रहे थे, मंदिर मस्जिद के नाम की समीक्षा कर रहे थे, तो मैं बड़ा स्पष्ट एक चीज उनको कहना चाहूंगा कि दोनों चीजें, अभी हमारे विकास जी जो बात बोल रहे थे कि मंदिर मस्जिद को या धर्म धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, तो गौरव जी बड़ा एक स्पष्ट बात है, बहुत बहुत सही बात इन्होंने बोला है, मैं इनकी बात का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ। इन्होंने कहा कि धर्म को, मंदिर मस्जिद को या इस तरह के किसी भी धार्मिक मुद्दे को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहिए, जरूरत क्या है जोड़ने की, बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहिए। केवल सरकार नहीं मंदिर और मस्जिद के लिए लड़ती है, मंदिर और मस्जिद का जब बात आता है तो हिंदू और मुसलमान आपस में जो मतभेद होता है उसमें सरकार का कोई मतभेद नहीं होता है। सरकार चलती है आपके संविधान से, सरकार चलती है आपके सिस्टम से। रही बात धर्म और राजनीति, धर्म और राजनीति को दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है गौरव जी। मैं जितना जानता हूँ बिना धर्म के राजनीति, धर्म को राजनीति, हाँ सोचने और देखने का नजरिया बेशक अलग हो सकता है। दूसरी चीज, एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, हमारे भाई साहब अभी जो बात बोल रहे थे कि हिंदू मुसलमान आपस में लड़ाई, तमाम तरह की बातें बोले, मैं एक चीज जरूर उनसे कहना चाहूँ, काश की बातें कानपुर के लोगों को समझ में आ गई रहती। अच्छा, इसके पहले जो दंगे हुए कोई, संतोष जी देश बहुत बड़ा है भाई, आप एक छोटे से जिले की बात कर रहे हैं, बहुत बड़ा देश है। इसके पहले संतोष भाई देश बहुत बड़ा है, कानपुर में लेके आप क्यों पीछे पड़े हुए हैं? मैंने आपकी पूरी बात सुनी है, मेरी भी बात सुन लीजिए जी। बोलिए बोलिए, मैंने आपकी पूरी बात सुनी है, मेरी भी, आमिर भाई मेरी भी बात सुन लीजिए, मैंने आपकी पूरी बात बोलिए। यह बात शायद उन लोगों को समझ में आ जाता जो पत्थर चलाते थे जी। ये बात शायद उनको समझ में आ जाता था जो सर के बदले सर काटने की बात बोलते थे जी। ये बात शायद उनको समझ में आता तो राजस्थान में हुआ जी। ये बात उसके अलावा भी पूरे देश में जगह जगह पे जहां जहां घटनाएं घटी है, चाहे चंद्रपुर रहा हो, चाहे और सारे मामले रहे, वो तमाम जगहों पे जो घटना, काश उन लोगों को ये समझ में आ जाता कि धार्मिक मुद्दों को लेकर के, हिंदू मुसलमान के मुद्दों को लेकर के सड़क पे आंदोलन नहीं होता है जी। अगर हम आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, अगर हम आपको भावनाओं को जाकर के, कोई हिंदू आपके मस्जिद को जाकर के तोड़ता है, तो आप बताइए एक उदाहरण दीजिए जहां हिंदू ने जाकर के आपकी मस्जिद को तोड़ा है। अगर जो हमारा हक था वो हमने संविधान के माध्यम से, हमने कोर्ट के माध्यम से मांगने का काम किया, आप कैसी बात कर रहे हैं? कौन हिंदू जाकर के आपको ताला तोड़ रहा है? कौन जाकर के आपके, आपकी व्यवस्था भंग करने का प्रयास कर रहा है? किसकी बात आप कर रहे हैं? अगर उत्तर प्रदेश में या केंद्र की सरकार ने हिंदुओं के लिए जितना काम किया है, उतना ही काम मुसलमान भाइयों के लिए भी किया है। हम हिंदू मुसलमान की बात आप कर रहे हैं, किस मुसलमान को योगी जी के नेतृत्व में उत्पीड़न हुआ है, किस मुसलमान का उत्पीड़न मोदी जी के गवर्नमेंट में हुआ है? आप बताइए कौन सी ऐसी सुख सुविधा है, चाहे आवास हो, चाहे पेंशन हो, चाहे बिजली हो, चाहे गैस का सिलेंडर हो, चाहे किसी भी प्रकार की व्यवस्था हो, किसने किसको दिया, किसने मतभेद किया है? और आगे बात, और भी लोगों ने कहा है कि जो बात के विकास की बात होनी चाहिए, विकास के मुद्दे से भटक गए, विकास क्या हुआ उत्तर प्रदेश में, ये उत्तर, मैं उनसे कहना चाहूंगा उत्तर प्रदेश की राजनीति करने से पहले जरा बताइए उत्तर प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेज खोला था आपने 5 साल पहले का जरा डाटा आपको दीजिए कि कितना मेडिकल कॉलेज आपने खोला था, उत्तर प्रदेश में कितना एम्स बना था, जरा बताइए। सपा वाले नहीं है जी, शिक्षा और चिकित्सा की बात, शिक्षा और चिकित्सा की बात भारतीय जनता पार्टी करती है। मैं नहीं चाहता हूँ ये धार्मिक डिबेट है, मैं राजनीति की तरफ इसको मोड़ना नहीं चाहता हूँ। और बहुत सी सारी बातें हैं, अगर इसके पहले की बातों को ले आया जाए तो सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ। मैं आज भी इस मामले में कहना चाहता हूँ आपको, अगर कोर्ट ने जो फैसला दिया है इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं होनी चाहिए, ना किसी राजनीतिक दल को कोई बयान देना चाहिए, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो किसी पार्टी का नेता हो। मैं सिर्फ ये कहूंगा, कोर्ट ने जो फैसला दिया है, कोर्ट के फैसले का पूरा देश सम्मान कर रहा है, कोर्ट के फैसले को सभी राजनीतिक दलों का भी सम्मान करना चाहिए, कोई भी बात नहीं होना चाहिए। और मैं अपील करूंगा इस बात को कि अतुत्साहित होकर के कोई भी हिंदू भाई कोई ऐसा बयान न दे, कोई ऐसी बात न दे जिससे हमारे देश में, हमारे उत्तर प्रदेश में, हमारे अपने जनपद में, हमारे अपने मन में आपस में कोई मतभेद पैदा हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सब लोगों से अपील करता हूँ कि आप लोग, अगर अगर देश के संविधान पे, देश के कोर्ट पे, अभी उन्होंने कहा
भारत की सरकार थी, केंद्र में सरकार थी, इसलिए सरकार के हक में फैसला देना था, इसलिए कुछ आप बताइए, आप न्याय के ऊपर ही उंगली उठा रहे हैं, आप देश के संविधान के ऊपर ही उंगली उठा रहे हैं, क्या बात करेंगे आप बताइए हमसे जी। जबरदस्ती क्या नरेंद्र मोदी ने या योगी आदित्यनाथ ने जाकर के कहा था कि हाँ कोर्ट से फैसला आ जाए कि मंदिर बन जाए, कोर्ट से फैसला आ जाए कि मस्जिद बन जाए जी। इस तरह का आरोप बेबुनियाद है। आपके देश में संविधान पे भरोसा है नहीं, देश की सेना पे भरोसा है नहीं, देश के किसी लीडर पे भरोसा है नहीं। कौन सी देश की बात कर रहे, कौन सी देश की कल्पना कर रहे, जैसे सरकार मैं सुन रहा हूँ वैसे आप सुन लीजिएगा, एक एक बात का आपकी जवाब दू दूंगा। जवाब दीजिए। देखिए पहले तो ये कानपुर की हिंसा की बात कर रहे थे, कानपुर में हिंसा जब शुरुआत हुई है तो देखिए गौरव जी तमाम वीडियो मौजूद है मेरे पास, अभी भी है, मैं दिखा सकता हूँ कि छतों से ईंटें चलाए गए और पुलिस की आड़ में से पेट्रोल बम फेंके गए और इल्जाम मुसलमानों पर आ गया कि जो नमाज पढ़ के निकल रहे थे, एक बात। दूसरी बात इन्होंने अभी कोर्ट की कही, कोर्ट और संविधान की आप बात कर रहे हैं, जब 1991 में बाबरी मस्जिद के कांड के बाद जब वर्शिप एक्ट बन गया था तो फिर आपको क्या जरूरत थी ज्ञानवापी का मुद्दा उठाने की, हर मुद्दा आप उठाते हैं, आप कहते हैं कि राजनीतिक पार्टियों को दूर रहना चाहिए। अरे ये ड्रा उठाया दूसरे लोग उठाया राजनीतिक, अरे भारतीय जनता पार्टी, अब सुन लीजिए महाराज, अरे गांधी बाबा सुन लीजिए, संतोष सिंह आपकी मैं बहुत कर, अरे संतोष जी मैं सुन रहा था, आप सुन लीजिए, हिंदुस्तान में कभी हिंदुस्तान में रहने वाले आप चिल्लाते रहिए, कुछ भी करते रहिए, आप लोग हमेशा देश के लिए बोले हैं, आप लोग चैनल पे बैठ के डिबेट करते समय भूल जाते हैं कि हमारे देश में संविधान है, संविधान से क्या चलता है। मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद का फैसला सर झुका के मान लिया, आपको बर्दाश्त नहीं हुआ, आप क्या बाबरी लेके चले आए, आप मदरसे लेके चले, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोर्ट से मान लिया कि हम मंदिर बनना चाहिए, मंदिर का काम नसीब मारा ने तो आया, तो कोई गुनाह नहीं किया, एक उच्च सरकार ने तो नहीं किया, ये नाजी सीएम किसने मंगा के लाए, योगी जी ने एक तरफा कार्रवाई करवाई, 67 लाख रुपए के लोगों को भिजवा दिए, क्या धरना प्रदर्शन करने का मेरा अधिकार नहीं है, क्या देश हुई आजाद हो गया है बगैर भारतीय जनता पार्टी से, आप इतनी प्रचंड बहुमत देना कैसे है, अरे आप तो पुलिस वालों में नारेबाजी है, वो तो विधानसभा के सामने तमाम वोट मेरे पास मौजूद है, क्या बात करते हैं आप लोग, उसी इंतजार में बैठे हैं आप लोग झूठ बोलते हुए। ठीक है, ठीक है, बारी बारी आमिर भाई जी, आमिर भाई पहले पहले आप लोग अपना पहले आप बताइए, आप आंदोलन और देश के देश के प्रति देश के प्रति ना थोड़ा ईमानदार बनिए, देश के प्रति ईमानदार बनिए, अरे सर भाई जी आप जवाब दीजिए, आप बगैर धरने प्रदर्शन आंदोलन के सत्ता में आए हैं, क्या ये मौलिक अधिकार हमारा नहीं है, सिर्फ भाजपा का अधिकार है, आपका स्वागत है, आइए रोड पे आंदोलन करिए, आप अपने हक हकों की लड़ाई करिए, आंदोलन विरोध में करा था तो योगी जी ने 67 लाख के 50-50 लाख करके नोटिस भिजवा दिए थे, क्या बात कर रहे हैं आप, और कहते हैं योगी जी हिंदू मुस्लिम में बोले रहते हैं। विकास भाई कुछ बोलना, विकास भाई जवाब दीजिए, जैसा भैया अभी आप मुस्लिम स्कॉलर में बोल रहे थे जी, धरना प्रदर्शन का अधिकार नहीं है जी, तो ऐसा नहीं है भाई, धरना प्रदर्शन का या विरोध का अधिकार सबको है, लेकिन उसका एक तरीका है, शांतिपूर्ण तरीका। अभी जो आपने बताया कि इससे पहले जब यूपी में धरना प्रदर्शन CNRC के लिए आपने किया, तो उसमें मैं किसी नेता या किसी पार्टी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो तरीका था, जो गाड़ियाँ तोड़ी गईं, जो पत्थरबाजियाँ हुई, जो माहौल क्रिएट किया गया, तो ये माहौल, इस तरीके का माहौल क्रिएट करना कोई धरना प्रदर्शन, सर पहले सुन लीजिए सर, आप मेरे एक सेकंड पहले मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपकी बात सुन रहा था, फिर आप वीडियो नहीं देखना, मैंने भी बहुत देखे हैं, इसी वीडियो यही वीडियो के चलते ही ये पोजीशन है, आप जो वीडियो दिखा रहे हैं इसी ये पोजीशन है, और आप बोलने नहीं देना चाहते है ना, आप मैं सुन रहा था, आपको मेरे सुनने में क्या दिक्कत है, आप कुछ भी कहें तो मैं सुनूं, मैं ये कहूंगा तो आप सुनने नहीं चाहेंगे, आपकी बात का स्वागत करेंगे कि पुलिस ने तोड़ा, हमें जो दिखाई पड़ रहा मैं वो बात कह रहा हूँ, और यही हुआ था, आप देखना नहीं चाहते ना सच्चाई, आप दिखाइए ना, कोर्ट जाइए ना, अगर आपके पास सुदर्शन जी का बयान बारी बारी बोली, बारी 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 बोली, चलिए आप चाहते हैं, और आपसे एक मस्जिद आप बड़े शांति से रह रहे हैं, बाकी आपके खिलाफ
ये मुद्दा कोई नहीं था, यह मुद्दा सिर्फ ये था कि कोर्ट का फैसला आया है, कोर्ट का फैसला मानना है, मानिए सही मानना हो जाइए आप कोर्ट में जाकर के अपील करिए। संतोष जी आप तोड़ दीजिए ना, कौन रोकने आ रही है आपको? आपने अभी साबरी साहब यहाँ बोला था इससे पहले कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है कोर्ट से ये निर्णय दिला दिया, आपके कहने का मतलब यही था। तो आप कहना चाहते हैं कि मतलब जो सत्ता पक्ष होता है उसके अंडर में कोर्ट होता है, मतलब आप संविधान पर उंगली उठाना चाहते हो रहे हैं यार, कैसी बातें कर रहे हैं? इसका मतलब पूरा विश्व देख रहा है, मैं थोड़ी देख रहा हूं, इसका पूरा विश्व देख रहा है। आने वाले समय में अदालतें भी मजाक बनकर रह जाएंगी भाई साहब। अगर आप ये बात बता रहा हूं आपको, अगर अदालतों ने पहले बात सुनिए, अपने बिहेवियर में सुधार ना किया तो अदालतें भी मजाक बन जाएंगी। पहले पहले आप बात सुना करिए, उसके बाद बोला करिए साहब, ठीक है? मैं जो बात कर रहा हूँ उसको कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद आप कुछ बोलिए। यदि आप कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष जो इस समय वर्तमान में सत्ता पक्ष है उसने कोर्ट से फैसला दिला दिया, इसके मतलब इससे पहले जो सरकारें थी वो आपके पक्ष में फैसला देती थी कोर्ट से? कौन से फैसले हमारे? अरे आप एक फैसला बताइए मेरे भैया, राम मंदिर का ले लीजिए, अरे इसी का ले लीजिए, ज्ञान जाति महाराज के टाइम में बाबरी मस्जिद टूटी, ज्ञान जाति मस्जिद कांग्रेस के समय में ताला पड़ा, कांग्रेस के समय में ताला पड़ा, और हमारे बिल्कुल हो गया हो गया, बारी बारी बोलिए भाई, बारी बारी बोलिए, हो गया हो गया हो गया, हो गया हो गया, विकास जी आप इससे मुड़ी फेर सकते हैं, ठीक है हो गया हो गया। संविधान का भी आने वाले वक्तों में मजाक बनकर रहेगा, मेरे देश के विश्व में मजाक बनेगा, जैसे आज की तारीख में सियासी पार्टियों को न्यायालय पे उंगली नहीं उठा सकते, पहली बात ये सुन लीजिए, क्यों नहीं उठा सकते? बिल्कुल नहीं उठा सकते, कोर्ट हमसे अलग थोड़ी है, न्यायालय हमसे अलग नहीं है, हम भी न्यायालय के अलग नहीं है, बिल्कुल नागरिक है, आम नागरिक है, मैं भी माननीय सम्माननीय कोर्ट होती है, सम्माननीय आप उसके फैसले कहां कोर्ट को गाली दे रहे हैं? अगर आपको कहां कोर्ट को गाली दे रहे हैं? अगर आपको फैसला स्वीकार नहीं है तो आप आगे जाइए, अगर आपको फैसला स्वीकार नहीं है आप आगे जाइए, आपके लिए रास्ते खुले हुए हैं। मैं तो यही कह रहा हूं, आप कोर्ट जाइए क्यों नहीं करके इस तरीके का? अरे आप कोर्ट जाइए क्यों नहीं? आप कोर्ट की आर्मी में अराजकता क्यों नहीं बना रहे? आपने मौका दिया होता आपने तारीख, चलो ठीक है हो गया, हो गया हो गया, आप क्यों बना रहे? हो गया हो गया हो गया, जिसकी लाठी उसकी भैंस, हो गया हो गया, बाकी मेहमान भी है भाई, बाकी मेहमान भी, ठीक है हो गया हो गया, बाकी मेहमान भी है, चलो ठीक है अमर भाई, ठीक है अमर भाई, ठीक है इमरान भाई, ठीक है इमरान भाई, बोलिए इमरान भाई अपनी बात पूरी करिए। देखिए अभी संतोष भाई बात कर रहे थे और तमाम लोग बात कर रहे थे जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के विषय में कुछ तथ्य रखना चाहता हूँ कि मंदिरों से इनको कितना प्रेम है और मंदिरों के लिए कितना संघर्ष करते हैं जी। अभी कुछ दिन पहले अलवर नगर पालिका के, राजगढ़ जो नगर पालिका है अलवर शहर के, उसमें 300 साल पुराना मंदिर तोड़ा गया, वहां भारतीय जनता पार्टी जो है वो नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन है और उनके आदेश पर राजगढ़ में 300 साल पुराना मंदिर तोड़ा गया जी। दिल्ली के अंदर जहां हमारी सरकार है जी, केंद्र सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की है जी, उसने 53 मंदिरों को तोड़ने के लिए दिल्ली की राज्य सरकार से अनुमति मांगी जी। ये इनका असली चरित्र है मंदिरों को लेकर, इनका प्रेम है, कितना प्रेम करते हैं। 2012 से 2015 तक आपको अच्छे से पता है कि वसुंधरा राजे जी राजस्थान की चीफ मिनिस्टर हुआ करती थी, इनकी बड़ी नेता है भारतीय जनता पार्टी की। 93 मंदिर वहां तोड़े गए, 93 मंदिर और धार्मिक संरचनाएं, चाहे मूर्तियों की बात करें, मंदिरों की बात करें, वो वसुंधरा राजे जी के राज में राजस्थान के अंदर तोड़े गए। गुजरात, जो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, मोदी जी का और अमित शाह जी का केंद्र है, उनका सेंटर है, वहां पर 100 से ज्यादा मंदिरों को तोड़ा गया जी। और इन सब मुद्दों पर आवाज उठाने का काम आम आदमी पार्टी ने किया। आम आदमी पार्टी मंदिरों की राजनीति नहीं करती, आम आदमी पार्टी मस्जिद की राजनीति नहीं करती, आम आदमी पार्टी हिंदू और मुसलमान को बांटने की राजनीति नहीं करती, आम आदमी पार्टी इनके इनका चेहरा जो है उसको बेनकाब करने की राजनीति करती। दरअसल ना तो इनको मंदिर से प्रेम है, ना तो इनको हिंदू से प्रेम है, ना तो इनको सनातन धर्म से प्रेम है, ना सनातन परंपरा से प्रेम है। ये वो लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर के नाम पर जिंदगी भर राजनीति की और राम मंदिर के चंदे में घोटाला करने का काम किया, राम मंदिर की जमीन की खरीद में घोटाला करने का काम किया। तो कुल मिलाकर इनकी नजर पैसे पर होती है, इनकी नजर सत्ता पर होती है, इनकी नजर राजनीति पे होती है। ये इन सब मुद्दों के जरिए जनता
को भ्रमित करने का काम करते हैं, जनता में आक्रोश पैदा करने का काम करते हैं, जनता को बरगलाने का काम करते हैं और अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम करते हैं। ये चाहते हैं कि मूल मुद्दों पर बात ना हो और गलत तरीके से जनता को भ्रमित किया जाए इन मुद्दों पर लाकर। वरना साफ चरित्र आप देख लीजिए, अगर बहुत बड़े सनातनी परंपरा के लोग हैं, आज ईमानदारी से बताइए उत्तर प्रदेश के अंदर गायों की क्या स्थिति है, आज सड़कों पर मारी मारी फिर रही है, इनकी गौशालाओं की क्या स्थिति है। तो जो जो वादे इन्होंने खुद से किए थे, आज उस वादों को ये पूरा नहीं कर पा रहे। आज गौशालाओं में गायें मर रही हैं, सड़कों पर मारी मारी फिर रही हैं, किसान परेशान है छुट्टा जानवरों से, तो न ये किसान को सुकून से रहने दे रहे हैं, न ये गाय को सुकून से रहने दे रहे हैं। कुल मिलाकर इन्होंने सबको तबाह करके रखा है, सिर्फ ये अपनी गंदी योजी नफरत फैलाने वाली राजनीति कर रहे हैं, उससे अलग कुछ भी नहीं कर रहे। ठीक है भरतेश भाई, अपनी बात पूरी करी, फिर संतोष भाई जवाब लेता हूं। भरतेश पांडे जी, हाँ जी जी, अपनी बात पूरी करिए। देखिए, मिला जुला करके जो आज कोर्ट द्वारा फैसला आया है उसका हम सम्मान करते हैं जी, और जितने भी इस प्रकार के विवाद हैं, धार्मिक विवाद हैं, जो भी इनसे सांप्रदायिक हिंसा होने की तनिक भी संभावना है, ऐसे सारे विवादों को कोर्ट के माध्यम से सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे देश की जो भी जनता है, जितनी भी पार्टियां हैं, सभी कोर्ट के डिसीजन का सम्मान करती है और हम सबको मिलकर कोर्ट के दिए गए डिसीजन का सम्मान करना चाहिए। इसमें कोई भी अपना राजनीतिक एंगल किसी भी पार्टी को नहीं निकलना चाहिए और किसी को इस बात के लिए ढोल नहीं पिटना चाहिए कि हमने इस मामले को यहाँ पे उठाया वहाँ पे उठाया, क्योंकि जो इस बात का ढोल पीटते हैं, वास्तविकता तो यही है कि सबसे अधिक मंदिर उन्हीं की सरकार में तोड़े गए हैं। तो इसलिए ऐसे में किसी को किसी का भी बात को लेकर के ढोल इस तरीके से नहीं पीटना चाहिए जी, और कोर्ट के माध्यम से सारे मामलों को सॉल्व करना चाहिए जी। ठीक है प्रतिश भाई, संतोष भाई अपना जवाब दिए, विकास भाई क्या बोलते हैं? आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता साहब बोल रहे थे जी, तिरानवे मंदिर यहाँ टूट गए, 94 मंदिर वहाँ टूट गए, 100 मंदिर वहाँ टूट गए, मंदिर तोड़ करके सारे मंदिरों को तोड़ करके डाटा इनके पास कंप्यूटर में फिट करा दिया गया और बताया गया कि वो मंदिर इसलिए तोड़े गए कि वहाँ मस्जिद बनाना है जी। मंदिर इसलिए तोड़े गए वहाँ मेरा और आपका घर बनवाना है, मंदिर इसलिए तोड़े गए वहाँ कि वहाँ ले आकर के दूसरी चीजें कुछ स्थापित करिए। कोई तर्क वाली बात हो तो क्या करिए, आम आदमी पार्टी की उत्पत्ति हुई है झूठ और बवाल से। अच्छा। आम आदमी की उत्पत्ति ही हुई है फ्राडगिरी। अलवर में मंदिर नहीं तोड़ा, अलवर में मंदिर नहीं तोड़ा गया नगर पालिका चेयरमैन के द्वारा, काशी में 250 से ज्यादा मंदिर आपने नहीं तोड़े, गांधीनगर में गुजरात में 100 से ज्यादा मंदिर आपने नहीं तोड़े। दरअसल आम आदमी पार्टी आपको बेनकाब करने का काम करती है, आपके झूठ को उजागर करने का काम करती है, आपके ढोंग को उजागर करने का काम करती है। दरअसल अभी तक आपको विपक्ष नहीं मिला था जो आपको जवाब दे सके, जो आपको चुनौती दे सके। पहली बार ऐसा हो रहा है कि आम आदमी पार्टी के रूप में कैसा विपक्ष आया है जो आपके सामने सच लाने का काम कर रहा है, आपके झूठ को उजागर करने का काम कर रहा है, कुर्बानी के चेहरे को मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाए हैं क्या, मंदिर तोड़ के अपना घर बनाए हैं क्या, मंदिर तोड़ करके वहां पे और कोई स्टेडियम और अलवर के मंदिर तोड़ रहे हैं क्या, क्या बना रहे हैं, मंदिर ढा दिया हमने बताया, झूठ झटाई बात बोल करके चैनल पे देश को नहीं है, वहां भगवान नहीं बसते हैं, वहां रास्ता नहीं है, वहां गंदा लाइसेंस देते हैं, मंदिर में हिंदुओं को रास्ता नहीं है करके राजी करते हैं। दरअसल आपकी दुखती रख के हाथ रख दिया गया है, दरअसल आपके चेहरे को बेनकाब कर दिया गया है, आपके झूठ को उजागर कर दिया गया है। तो मिलाएंगे आप पंजाब में रहकर के 15 दिन रह करके आया हूँ, पंजाब के लोगों से गली गली जाकर के पूछा था, टेम्पो और ऑटो वाले गाली देते हैं आपके मुख्यमंत्री को, लोगों को चूतिया बना करके कुर्सी पर बैठने, कुर्सी हथियाने के लिए शासन सत्ता के लिए गिरे हुए हैं, चैनल पे बैठे हैं, बताइए मस्जिद तोड़ा बनाया है, इनके पास शक्ति नहीं है भाई, सरकार जाएगा। ठीक है गौरव भाई, इनके शब्दों से आप अंदाजा लगा सकते हैं, जब इनके सच इनका जो झूठ है उसको उजागर कर दिया जाता है, तिलमिला जाते हैं। ये लोग मंदिर तोड़ने वाले लोग जिन लोगों ने मंदिरों के नाम पर राजनीति की है, उन्होंने राम मंदिर के चंदे में लूट करने का काम किया है, ये झूठ पानी झूठ ये राम मंदिर के नाम पर बोलना झूठ बोल
रहा है भाई? जिन्होंने चंदे में घोटाला करने का काम किया है, इन्होंने राम मंदिर की जमीन के खरीद में घोटाला करने का काम किया है, इन्होंने अलवर के अंदर मंदिर तोड़ा, बताएं पहले कहते थे नहीं वहां कांग्रेस जिम्मेदार है मंदिर टूटने के लिए, जब पता चला कि नगर पालिका के चेयरमैन के आदेश पे तोड़ा गया है और चेयरमैन इनकी पार्टी का, तो अगल बगल झांकने लगे, आज झूठ बोल रहे हैं यहाँ बैठ मंदिर नहीं तोड़े गए, पूरी दुनिया ने देखा काशी कॉरिडोर बनाने में कितने प्राचीन मंदिरों को तोड़ा गया, तो मंदिर के साथ इनकी कोई आस्था नहीं, साफ बात है। आज तिमिला क्यों इनके सामने एक मजबूत विपक्ष के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया है, अपने आप को प्रस्तुत किया है, इनकी पोखराट इनके शब्दों में दिख रही है, कैसे कैसे शब्द का इस्तेमाल कर रही है सम्मानित मुख्यमंत्री के लिए, ठीक है हो गया ये गाली चैनल पर बारी बारी से बोलिए पंजाब के मुख्यमंत्री को बारी बारी से विकास भाई अपनी बात पूरी करिए, अमरवाई को लेते हैं। जी हाँ बिल्कुल, अभी जैसे आपके प्रवक्ता ने बताया तमाम मंदिर तोड़े गए, ये शुरुआत में भी आपने बात कही थी, लेकिन उससे पहले आपने एक बात कही थी कि राजनीतिक दलों को धार्मिक मुद्दों से दूर रहना चाहिए। एक बार आपने एक सेकंड भाजपा के प्रवक्ता जी, एक सेकंड मैं बोल रहा हूँ, बोलने दीजिए फिर सुनेंगे आपको। तो अभी जैसे इन्होंने बोला तो ठीक है, आपने एक बार इन्फॉर्मेशन दे दी, सभी लोगों को पता चल गया चैनल के माध्यम से, बार बार उसको कहने का मतलब कहीं ना कहीं इंडिकेशन ये देता है कि शायद आप हिंदुत्व को लेकर अब आप लड़ना चाहते हैं। तो आपसे भी अनुरोध है, भाजपा के प्रवक्ता से भी अनुरोध है और हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भी, नहीं सर हिंदुत्व से और एक सेकंड इमरान साहब बात सुन लीजिए, हमारा स्कूल अस्पताल से मतलब है, बिजली पानी से मतलब है, खादी से मतलब है, हमारा मंदिर मस्जिद से कोई मामला नहीं है। प्रेम से सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए, पूरी होने दीजिए फिर बोलिएगा, मैं सुन लीजिए ठीक है। हमारे आमिर साबरी साहब जो बैठे हुए हैं उनको भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा याद मतलब थोड़ा चाहूंगा थोड़ा ध्यान दें इस पे जी, कि यही कारण है जी कि हम और आप आपस में लड़ जाते हैं जी, क्योंकि हर एक राजनीतिक दल जी जो मुद्दा उठता है उसमें अपनी रोटी सेकना चाहता है जी। हमारी आपके बीच की बात है, हम आप बात कर रहे हैं, ठीक है हमारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन राजनीतिक दल इस तरीके के मुद्दे उठा के मनभेद पैदा करना चाहते हैं, और मनभेद देश के विकास के लिए सदैव हानिकारक होता है, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। आप सभी से अनुरोध है, मतभेद होने दीजिए, उसको सुलझाया जा सकता है, कृपया राजनीतिक रोटी सेकने के लिए मतभेद ना करें, वही सही रहेगा। और बाकी कोर्ट का निर्णय आएगा, 22 तारीख से सुनवाई होगी, उस विषय में बात की जाएगी, देखते हैं क्या निर्णय आता है, लेकिन इस तरीके की राजनीतिक रोटी। देखिए गौरव भाई, इस देश के मुसलमान ने हर कोर्ट का फैसला सर झुका के स्वीकार किया है, ये आज की बात नहीं है। देखिए आप फिर वही कहीं घुमा फिरा के कहीं ना कहीं मिसाल देनी जाती है, और मिसाल तमाम अदालतें भी देती हैं। अमर भाई ये क्यों कहते हैं कि सरकार कराती फैसला? नहीं नहीं, तमाम मिसाल नहीं, वो वही मैं उसी टॉपिक पे आ रहा हूँ। देखिए तमाम मिसालें अदालत भी देती है, इसलिए मैं भी मिसाल दे रहा हूँ। देखिए जब मस्जिद में मूर्तियां रखी गई बाबरी मस्जिद में, अदालत का निर्णय आ गया, ताला डाल दिया जाए, ताला डल गया। 36 साल बाद 37 साल बाद अदालत का ये निर्णय आया, ताला खोल दिया, ताला खुल गया, माहौल खराब हुआ देश का। जो काम अब हुआ है वो काम उस वक्त भी हो सकता था। मैं यही कह रहा हूँ, तमाम हिंदू मुस्लिम के बीच जैसे अभी हमारे विकास भाई साहब कह रहे थे मिश्रा जी कि मनभेद और मतभेद, ठीक है मतभेद हो सकते हैं, भाइयों भाइयों में हो जाते हैं, लेकिन जहाँ मनभेद होते हैं, जहाँ कटुता बढ़ती है, वो देश के लिए ही नहीं घर के लिए भी हानिकारक होती है। देश तो बहुत बड़ी चीज़ है, घर के लिए, और जब घर में सुकून नहीं होता है तो फिर वो आदमी कहीं सुकून नहीं ले पाता है, कुछ भी हो जाए। मेरा मानना यह है कि यह अदालत या न्यायालय का आड़ लेकर के देश में अराजकता ना फैलाया जाए, सांप्रदायिक माहौल ना बिगाड़ा जाए। कौन फैला रहा भाई? देखिए अब जो अब वही बात है, अभी फिर वही घुमा रहे पॉलिटिकल पार्टियां, अब चाहे सरकार में हो या सरकार में ना हो, कुल मिलाकर के गेम सारे उन्हीं के होते हैं। पिस्ता इसमें आम आदमी है, आम मुसलमान पिस्ता है, आम हिंदू पिस्ता है, जिसका जो बेचारा 2 जून की रोटी कहावत है, 2 जून की रोटी के 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए जिसके लाले हैं वो पिस जाता है। आप डबल इंजन की सरकार है, मैं फिर कह रहा हूँ, आप न्यायालय छोड़ दीजिए, जिसकी लाठी उसकी बात, अगर आपका ये मानना ही है एक लाइन से कि मुगलों ने ऐसा करा, तो भाई आपकी सरकार है, आप भी कर लीजिए। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, एक सिंगल मुसलमान विरोध नहीं करेगा। ठीक है चंद्र भाई, अपने जवाब दिए, फिर चर्चा खत्म करता हूँ। देखिए मैं विकास जी हमारी बात सब कह चुके हैं, विकास जी की बात को मैं अपने उससे जोड़ता हूँ, और मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आमिर साहब ये हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान में सबका हक और अधिकार है, जितना
जितना इस देश की आजादी के लिए जितना इस देश को स्वतंत्र कराने में हिंदुओं का हाथ रहा है उतना ही मुसलमानों का हाथ रहा है। यहाँ जितना मोहब्बत हमारे देश में हमारे सरकार में हिंदुओं के लिए उतना ही मोहब्बत हमारे मुसलमान भाइयों के लिए है। हिंदू मुसलमान की बात अपने जगह पे है, हिंदू मुसलमान की बात करने वाले नेता अपने जगह पे है। मैं सिर्फ आपसे निवेदन यह करूंगा कि जब बात कोर्ट की आए, बात संविधान की आए, तो आप भी संविधान की बात मानिए, संविधान का सम्मान करिए, कोर्ट की बात आए कोर्ट के जजमेंट का सम्मान करिए। हम भारतीय जनता पार्टी बाबरी मस्जिद फैसले से पहले कहती थी, मेरी आस्था का सवाल है, ये कोर्ट फैसला नहीं कर सकती, और जब आपके फेवर में आ गया फैसला तो आपने स्वीकार कर लिया। यही मसला आज भी चल रहा है, कल अगर ये कोर्ट मान लीजिए फैसला मस्जिद के हक में कर देती है, छाती पे हाथ रख के कहिएगा आप कितना स्वीकार करेंगे। अभी सबरीमाला का मामला था, आपने गदर काट के फेंक दिया था, सबरीमाला में आपने स्वीकार किया सुप्रीम कोर्ट का फैसला, आप बताइए। नहीं क्या होता? अरे आप तो बड़ा फैसले का सम्मान करते हैं, संविधान का सम्मान करते हैं, कानून का रक्षा करें, आप बताइए तो सही। आपकी मजबूरी क्या है ना आपने सही चीजें वो कभी पुनः पढ़ा ना सही चीज समझने की कोशिश की, और सही चीजें बताई नहीं मुझे। आपको अपने अरे संतोष जी आपने सही चीजें मुझे बताई है, मुसलमान होने अरे आप सही चीजें बताते हैं, सही चीजें पढ़ रहे हैं, आपने बताई नहीं है। आपने 1988 से हिंदू मुस्लिम ही करा है, अरे आपने सही काम करा था भाई, अरे सही चीज पढ़ाई होती तो मैं पढ़ता, सही बात बताई होती तो मुझे आज जानकारी होती, मुझे ज्ञान होता। आपकी बढ़िया सरकार बनी कांग्रेस के खिलाफ, नवासी में आप रथ में चल दिए, आपने पूरे देश को खराब करा, दंगे कराए, उसके बाद भी सरकार में हमने वोट दिया, कब वोट नहीं दिया आपको बताइए? उसके बाद भी आपने बाबा जी कहे थे एक बार का वोट हमें नहीं मिलता, एक तरफ स्वीकार करते हैं 11 ठीक है, आप जिनके बनाए रास्ते पे चल रहे हो, जिनकी भाषा बोल रहे हैं, उन लोगों ने बहुत दर्द दिया है हिंदुस्तान के इतिहास को, हिंदुस्तान के लोगों को, और खास करके सनातनियों को। आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के बहुत धन्यवाद। मुद्दा यहाँ पर यह था कि ज्ञानवापी मस्जिद जो विवाद चल रहा था उस पर एक महत्वपूर्ण फैसला आया है, और फैसला ये आया है कि 22 सितंबर से इस मामले पर सुनवाई होगी। कोर्ट ने उस याचिका को स्वीकार कर लिया है और जो मुस्लिम पक्ष की याचिका थी उसको खारिज कर दिया है। फिलहाल पर मेरा मानना यह है कि कोई भी मामला रहता है वो धार्मिक विवाद से जुड़ा होता है, गंगा जमुनी तहजीब को हम लोग मानते हैं, उसको फॉलो करते, उसका पालन करते हैं, तो मेरा मानना यह है कुछ विवाद ऐसे भी होना चाहिए जिन विवादों का जो समाधान है वो बैठकर भी किया जा सके, क्योंकि हमारे देश में पंचायत परंपरा, प्रधानी परंपरा और व्यवस्था की एक ऐसी नीति रही है जिसमें बड़े से बड़े विवादों को हल कर लिया गया है बैठकर। तो जिस तहजीब को हम मानते हैं, जिस भाईचारे को मानते हैं, तो मेरा मानना यह है कि आने वाले समय में इस तरह के अगर कोई विवाद होते हैं तो दोनों पक्षों के लोग बैठकर इसको शांति सुलझाया जाए, क्योंकि जब 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 कोई विवाद कोर्ट में जाता है और जब जब किसी विवाद पर चर्चा होती है तब तक वो विवाद धर्म से ना होकर राजनीति जुड़ जाता है, और तब राजनीतिक दल केवल उसमें अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं और नुकसान होता है केवल आम जनता का, और माहौल बिगड़ता है देश के लोगों के बीच में, क्योंकि जो भाईचारे की तहजीब हम अभी तक अपनाते आए हैं, जिस तहजीब और जिस भाईचारे से हम अब तक चले आ रहे हैं उसी तहजीब को हमको आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे आने वाले समय में एक बेहतर मिसाल पेश की जा सके। नमस्कार।